नाउ चिल्ड्रेन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग नंबर्स. ठीक है, कंपेयरिंग नंबर्स आई क्या होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट. आपको फाइंड आउट करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर, और वेदर दे आर इक्वल टू इक्वल और नॉट. ठीक है, तो हमने ये होता है कंपेयरिंग नंबर्स. तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई मेड यू अंडरस्टैंड कि आपने कैसे बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है. बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर जब हम काउंटिंग करते हैं, जो नंबर पहले आता है वो क्या होता है, हमारा स्मॉल नंबर, दैट इज द स्मॉल नंबर. और जो बाद में आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, बिग नंबर. ठीक है, सिमिलरली 11 टू 20 सेम ऑल्सो, काउंटिंग करते टाइम जो नंबर पहले आएंगे वो क्या होंगे, स्मॉल, और जो बाद में है वो क्या है, बिग. ठीक है, नाउ कम टू द एग्जाम्पल, कंपेयर नंबर्स यूजिंग greater than, smaller than or equal to. So these are the symbols, signs that you have to put in the given circle to find out the greater number or smaller number or whether they are equal to each other or not. Now come to the first example, 8 or 3. ठीक है, अब ये क्या है, दीज आर वन डिजिट नंबर, ये वन डिजिट नंबर है. अब काउंटिंग में देखो, आप स्केल की हेल्प से देख सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर स्मॉल है. देखो थ्री क्या है, थ्री पहले आ रहा है तो थ्री क्या है, स्मॉल है. ठीक है, एट बाद में आ रहा है तो एट क्या है, बिगर नंबर. सो यू विल पुट द साइन विद हेयर, दिस इज द crocodile's mouth, that is alligator's mouth I can say, and it will open towards the number which is greater. तो ये क्या है, alligator's का alligator mouth है, और ये किसकी तरफ open हो रहा है, जो number क्या है, big. Now second example, 5 or 1, which is greater here? Yes, alligator's mouth will open towards number 5, that is 5 is greater than 1. Third example, 13 or 17. So these are two digit number. ये क्या है, हमारे two digit number है, and that is 1, 3, 13, 1, 7, 17. ठीक है, तो हमने place value की हुई है. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया है कि जब टू डिजिट नंबर होते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ता है उसके लिए, टू हाउसेस. ठीक है, थ्री विल कम इन वंस हाउस, वन विल कम इन टेंस हाउस. सेम हेयर, सेवन विल कम इन वंस हाउस एंड वन विल कम हेयर इन टेंस हाउस. तो आपने कंपेयर करना है. जब हम कंपेयर करते हैं टू डिजिट नंबर को, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम, तो जब हम टू डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमें कहां से स्टार्ट करना होता है, वी हैव टू स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना. ठीक है, पहले हम देखेंगे टेंस प्लेस पे, इधर भी वन है एंड हेयर इट इज ऑल्सो वन, तो वन वन तो सेम है. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट क्या है वंस प्लेस में, हेयर इट इज 3 और इधर क्या है 7. तो क्या, कौन सा बड़ा नंबर है, ये 7 इज ग्रेटर, तो विच नंबर विल बी ग्रेटर, 1, 7, 17. तो एलिगेटर्स माउथ किस तरफ खुलेगा, यस इट विल ओपन टूवर्ड्स 1, 7, 17. Right? This is the way to compare the two digits, this one, two digit numbers. Now come to the next example, 15 or 20. Again we have to compare 15 or 20 में से हमें compare करना है. हम same ऐसे ही बनाएंगे, two houses, ठीक है, tens ones, ठीक है, 1, 5, and again I will put here circle, 2, 0, 20. अब देखो, हम start करेंगे, कहाँ से करेंगे? We will start comparing from the extreme left side. अब यहाँ पे क्या है, tens में 1, 1 is coming in tens place. ठीक है, और इधर क्या है, 2, 2 is coming in two is coming in tens place. अब यहाँ से ही हमें direct पता लग रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, तो which is greater? Yes, 2 is greater. So which number is greater? 2, 0, 20. So we will put the sign like this. ठीक है, now page number 59, comparing numbers, count and write the number in the space provided, then compare and write the greater than or less than statement. ठीक है, statement means you have to write in words.
वन हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, आप देखो इट इज द एग्जाम्पल, इट इज ऑलरेडी सॉल्व. हेयर 14 इज कमिंग एंड 15 विच इज द ग्रेटर वन. यस 15. तो स्टेटमेंट में क्या आएगा, स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कैसे 14 ठीक है इज लेस देन 15. ठीक है, ये साइन क्या आएगा इधर, 14 इज लेस देन 15. नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ कैटरपिलर्स आर हेयर चिल्ड्रन, यू हैव टू काउंट द caterpillars and then you have to compare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So what will come here, 16. Now this side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 will come here. Now which is greater? Yes, of course 16. So 16 is greater than 11. Page number 16. Now can you see butterflies are here? Now you have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 8 18. So बच्चे जब आपने count करना है इधर यू यूज योर फिंगर और पेंसिल. ठीक है, पेंसिल या फिंगर के साथ ही काउंट करना है आपने. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 7 17. सो विच इज ग्रेटर, यस 18. 18 इज ग्रेटर देन 17. नाउ नेक्स्ट बुक्स आर हियर, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 13 विल कम हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 विच इज ग्रेटर, 13. 13 इज ग्रेटर देन 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कंपैरिजन सिंबल्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, 14 इज लेस देन 17. नाउ सेकेंड ये क्या है, येस ऑफ कोर्स 20 इज इक्वल टू 20. 11 इज ग्रेटर देन 9. 16 इज इक्वल टू 16. 19 इज ग्रेटर देन 13. 12 इज लेस देन 14. ठीक है, फाइन. असेंडिंग ऑर्डर, व्हेन वी अरेंज द नंबर्स From the smallest to the greatest, we call it ascending order. Ascending order क्या होता है, जब हम numbers arrange करते हैं from smallest to the greatest. छोटे से बड़े number तक लेके जाने के order को हम क्या बोलते हैं, ascending order. Now come to the example 4 3 1 9. ठीक है, आपको ये अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर में. आपको पता है काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है वो क्या होता है, येस दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सो 1, ठीक है 1 सबसे छोटा है. तो हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए कि हमने ये नंबर यूज कर लिया है 1. सो 1 ठीक है. उसके बाद क्या आएगा, येस द नेक्स्ट नंबर विल बी 3. देन अब 4 एंड 9 में से क्या छोटा है, यस 4, तो 4 आएगा. अब लास्ट इज 9. सो 1 3 4 9 आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर.